केदारनाथ पहुंचा, भोले बाबा के छह माए कपाट बंद रहते हैं, छह माए खुले रहते हैं। जिस दिन पहुंचा किस्मत इतनी खराब कि उस दिन कपाट बंद हो गए। पुजारी जी थोड़ा रास्ते में ही मिले। पुजारी जी ने पूछा, तुम बता तुम कहाँ जा? बाबा के दर्शन बहुत दिन लगे, 8 महीने की चली। भाई अब तो दर्शन होंगे नहीं, कपाट बंद हो गए, अब तो 6 माह बाद दर्शन होंगे, अभी लौट जाओ, यहाँ ठंडी बहुत होती है, मारे जाओगे। हम तो यहीं चरणों में डले रहेंगे, जो होना होगा सो होगा। जाके वो लेट गया चौखट पर। कुछ देर बाद रात हो गई, रात पर कपकपाता हुआ भूखा प्यासा पड़ा। सुबह हुई, सूर्य की किरण खुली, एक बाबा बड़ा प्यारा सा, जटाएं लंबी लंबी, गोरा सा बदन कपूर की भांति, जिसका एकदम अभंग शरीर, फक्कड़पन जिसकी वाणी में, स्वभाव में, नेत्रों में झलक रहा, चमकता हुआ चला। ए बाबा क्यों यहाँ पड़ा है? महाराज दर्शन कर, अच्छा अब तो पट बंद हो गए, 6 माह बाद खुलेंगे, हम यहीं रहेंगे। अच्छा यहीं रहना है, इधर आओ, हमारी कुटिया है यहाँ, कुछ खा लो, लगता है बहुत भूखे हो, बहुत पैदल चले आओ हमारे, जैसी आपकी कृपा। गए, महात्मा ने अपने हाथ से भोजन कराया, जल करवाया। अच्छा एक काम करो, हम बिस्तर लगा देते, तुम सो जाओ। सोए, आंख खुली, और जैसे ही नेत्र खुली तो देखा पुजारी जी मंदिर का पट खोल रहे। भागा भागा गया, महाराज आप तो कह रहे थे 6 माह बाद पट खुलेंगे, आप तो एक दिन में ही वापस आ गए। पुजारी जी ने गौर से देखा कि ये तो वही है जो 6 माह पहले जिसको हमने कहा था यहाँ से भाग जाना, ये तो वही है। अरे तू 6 माह यहाँ क्या करता रहा? वो हाथ जोड़कर बोला, आप पागल हो गया, कल ही तो मैं सोया था, आज ही जागा हुआ। पुजारी जी समझ गए कि इसके ऊपर विश्वनाथ की कृपा हो गई, इसके ऊपर केदारेश्वरनाथ की कृपा हो गई, गले से लगा लिया और जाकर भगवान भूत भावन केदारनाथ के दर्शन करवाए। वो लिपड़ पड़ा, ऐसी जगत की लाज रखने वाले महादेव।